इतनी देर बाहर रहना था तो मुझे फोन तो कर दिया था, या तुमने मुझे भुला दिया? हमेशा अपने बारे में ही मत सोचा करो तुम। तुम जानती हो माँ के जाने के बाद मैं कितना परेशान हूँ, कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी हर जगह से मायूस होकर लौटा हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि माँ शहर छोड़कर चली गई। किशन, तुम उनकी इकलौती औलाद हो। जब माँ तुमसे नाराज थी, इतनी नाराज कि ऐसा लगता था जैसे वो तुम्हारी दुश्मन हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए तड़पती थी, तुम्हारी हर खबर रखती थी। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रही जैसे वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई। इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं किशन। मैं तो फिर भी बाहर वाली थी, लेकिन अपनों की दी हुई चोट का जख्म ज्यादा गहरा होता है। इस बात का एहसास तुम्हें होना चाहिए था जो नहीं था, यही तुम्हारा गुनाह है। मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, शायद तुम्हें कभी इसका एहसास भी नहीं होगा। सिर्फ बातों से क्या होता है किशन, एहसास दिलाना पड़ता है। तुमने कभी कोशिश की? तो एहसास दिलाने के लिए क्या ढोल बजाता मैं? इसे ढोल बजाना ही कह लो किशन, लेकिन बजाना पड़ता है, नहीं तो औलाद माँ बाप से दूर हो जाती है। बात बात पर उनकी मुखालफत करना, उनसे बहस करना, उनसे लड़ना, क्या इन सब चीजों से खाक प्यार जाहिर होता है? उल्टा असर पड़ता है और पड़ा। किशन, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ उनसे कोई प्यार नहीं करता, उनके जज्बे को कोई नहीं समझता। उनकी जगह मैं होती तो मैं भी चली जाती। लगता है उनकी तरह तुम्हारा भी दिल मुझसे भरने लग गया है, इसलिए शायद मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हो तुम। शट अप किशन, अगर तुम सीधी बात नहीं कर सकते तो कम से कम उल्टी बात भी मत किया। आज परारे थोड़ी जल गया है ना? अरे क्या हुआ? जरा धीरे धीरे खाया करने। हाँ, ऐसे खाती से प्लेन छूटा जा रहा है। ऑफिस। पानी पी, पानी पी। ऑफिस नहीं हो गया, एक मुसीबत हो गई है। जब देखो तो ऑफिस की ही बातें करती रहती है 24 घंटे। लगता है मुझे बहुत जल्दी रिटायर करना चाहती है, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही इरादा है, और रिटायर भी ऐसा करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे। यानी बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी कर देगी? हाँ। यानी बेटी बेटे की कमी पूरी करने वाली है। आगे देखिए मैं क्या क्या कमी पूरी करती हूँ। कितने ताज्जुब की बात है ना, पहले ये कितनी गैर जिम्मेदार थी और अब इतनी जिम्मेदारी, बाप का इतना ख्याल। सरप्राइज है मम्मी, ताज्जुब करना छोड़ो। और रही बात जिम्मेदारी की, तो उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छी बात है, बस तुम जल्दी से सब काम संभाल ले, फिर मैं और तेरी मम्मी 6 महीने के लिए बाहर घूमने जाएंगे। शुक्र है नेहा, कम से कम तेरी वजह से इन्हें इस गरीब का ख्याल तो आया। बस आप लोग चमत्कार देखते जाइए, थोड़ा अरसा और फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद आप बाहर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे अभी से क्यों जा रही है, ऑफिस का क्या वक्त है? मम्मी, वक्त मुलाजिमों के लिए होता है, मालिक के लिए नहीं। और वैसे भी ऑफिस का वक्त 9:30 बजे का है और 9:15 यही बज गए। मुझे जल्दी जाकर ये देखना है कि वक्त पर कौन आता है और कौन नहीं। तो क्या तू इतनी सख्ती से काम लेगी? क्या करूँ मम्मी, डिसिप्लिन लाने के लिए सख्ती करना जरूरी है। अब जिन मुलाजिमों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, they will have to be sent out. No compromises on that. लेकिन बेटी। पापा प्लीज देखिए, इस सिलसिले में आप बीच में नहीं आएंगे। मैं जो कुछ कर रही हूँ आप उसके अंजाम का इंतजार करेंगे। ओके बाय बाय मम्मी, बाय। तो ज्यादा ही खुश नजर आ रही है, कहीं इसके दिल की बात पूरी नहीं हुई तो? She will be very successful. आखिर को तुम्हारी बेटी जो है।
जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ राहुल, आओ बैठो, नाश्ता करो। जी नहीं, नाश्ता तो मैं करके आया हूँ। तो चाय पी लो। इच्छा तो नहीं। कोई बात नहीं, बगैर इच्छा के पी लो। नया मिली क्या? नहीं, कहीं बाहर गई है? तुम तो जानते ही हो कितनी जिद्दी लड़की है जी। आजकल मेरे ऑफिस का काम संभाल रही है। कहती है कि एक दिन मेरा सारा काम संभाल कर मुझे रिटायर कर देगी। हाँ भाई, नरेश मल्होत्रा की औलाद है तो कुछ ना कुछ तो मेरे गुण आएंगे ही उसमें। लेकिन ये बात तुम्हारी आंटी के कभी समझ में नहीं आई। उनको तो मेरे गुण भी हमेशा अवगुण ही लगे। वो ये नहीं समझ सकती कि अरे भाई, जो अपने स्वभाव से जीता है उसमें कोई अवगुण हो ही नहीं सकता। तुम भी एक बात का ख्याल रखना राहुल, जो आदमी अपने आप का खुश नहीं कर सकता वो किसी और को खुश नहीं कर सकता, समझ लिया? चाय पियो। अब सुनाओ, तुम कैसे हो? ठीक नहीं हो अंकल। क्यों, क्या हो गया? बहुत अकेला पड़ गया हूं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो काम में क्यों मन नहीं लगाते? काम के बाद घर आता हूं तो वो भी काटने को दौड़ता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके पास आकर बात करूं, लेकिन जो बात बड़ों को करनी चाहिए छोटे अपने मुंह से कैसे कहें? कहीं तुम नेहा की बात तो नहीं कर रहे? माफ कीजिए अंकल, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो सारी गलत फहमियां दूर हो गई है। हाँ, हमारी तरफ से भी कोई एतराज तो नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम ही इनिशिएटिव लेके नेहा से खुद बात करो। ठीक है अंकल, थैंक्स। ऑफिस कितने बजे शुरू होता है? तो फिर तुम अपनी वर्दी में क्यों नहीं? बस वर्दी पहनने वाला था मैडम। अगर आइंदा 9:30 बजे ड्यूटी पर बिना वर्दी के नजर आए ना, तो अपना हिसाब कर लेना गोपाल। मैडम आपका प्लान होगा। तो क्या इसका मतलब है तुम्हें इस ऑफिस का डिसिप्लिन तोड़ने का हक है? नहीं नहीं मैडम, सॉरी, कल से बराबर टाइम पर तैयार होऊंगा। और कौन आया है? बस आते ही होंगे। मेरे सवाल का जवाब दो गोपाल, और कौन आया है? सबसे कह देना कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर कल कोई वक्त पर नहीं आया तो उसे अपनी सीट पर मत बैठने देना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप जल्दी आ गई हैं। आपकी घड़ी में वक्त क्या हुआ? 9:40। और ऑफिस का क्या वक्त है? 9:30। तो मैं जल्दी आ गई हूँ या आप देर से आए हैं? अगर ऑफिस का वक्त 9:30 बजे का है तो कल से आप 5 मिनट पहले आएंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। आओ भाई आओ। अगर नेहा से मिलने आए हो तो पहले ही बता दूं कि वो ऑफिस गई है। ऑफिस? लेकिन क्यों सर? वो मेरे काम में इंटरेस्ट जो लेने लगी। ये तो अच्छी बात है, नेहा का मन काम में लग जाएगा तो। लग जाएगा मतलब क्या? लग गया है भाई, लग गया है। पूरे जोर शोर से मेरे काम की जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर, नेहा की उम्र तो अब शादी के लायक हो गई है, ये कहना चाहते हो ना तुम? सर एक्चुअली मैं आपसे इसी के बारे में बात करने आया था। जी सर। सर मैं नेहा को बहुत चाहने लगा हूं, मैं उसे शादी करना चाहता हूं। आई सी।
अपने पापा की कुर्सी पर बैठी हुई बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स मैडम, अगर अपने कीमती वक्त से मेरे लिए दो चार मिनट निकालो तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहो, मैं सुन रही हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे। I'm busy, Mr. Rahul. अरे यार, ये मिस्टर कहाँ से आ गया? कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल कुर्सी की भाषा बोल रही हूँ। I love you. Yeah, I know. Let's get married. क्या? मेरा मतलब है, क्या कह रहे हो तुम? Let's get married, sweetheart. Hello. Hi. Hi. नेहा, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि आजकल तुम उनके काम में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो। I am very happy to know this. लेकिन नेहा, तुम्हारी असली जगह दफ्तर नहीं, घर है, अपने हस्बैंड का घर। अरे भाई, यही तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ कह दो नेहा। हाँ कह दो ना नेहा। देखो, राहुल भी मेरी वकालत कर रहा है और आज तो मैं तुम्हारी रजामंदी लेने आया था। कौन किसकी वकालत कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? अपने बारे में और किसके? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नेहा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। शट अप, यू शट अप, यू बोथ शट अप। सर देखिए ना, ये कबाब में हड्डी नहीं, कहाँ से आ गए? कबाब में हड्डी वो नहीं, शायद तुम। सर, आप तो जानते हो कि नेहा को कब से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें उसका मुआवजा चाहिए, वो भी नेहा का हाथ? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ये क्या बचपना है, शादी नेहा को करनी है इसलिए फैसला वो करेगी। तुम दोनों ने मुझे समझ के रखा है। नीलामी का सामान या अपनी जागीर। This is a business office for God's sake. I don't want to discuss private matters here. देखिए, जो मैं कहना चाहता था वो नेहा ने कह दिया है। Gentlemen, I'll appreciate it to me. नेहा, अगर शादी की तारीख यहाँ तय हो जाती तो अच्छा था, लेकिन अगर ये फैसला तुम बाहर जाकर करना चाहते हो तो मैं बाहर चलती हूँ। ये बकवास कर रहा है, तुम इसका मुंह क्यों नहीं बंद करते? मुंह तो तुम्हारा बंद करना चाहिए जो बीच बीच में टांग अड़ा रहा है। पापा, ये लोग हमारे ऑफिस का वक्त जाया कर रहे हैं, इनसे प्लीज कहिए कि यहाँ से चले जाएं। बेटा, अगर तुम इनसे अपनी शादी के बारे में बात करना चाहती हो, then why didn't you go out? पापा, इस वक्त मेरा लक्ष्य मेरा काम है, और जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, मेरी जिंदगी में ना तो कोई लड़का आएगा और ना मेरी शादी होगी। लेकिन नेहा, राहुल लीव हर अलोन। नेहा, मैं जाऊं? हाँ, प्लीज आप जाइए। तो फिर बीच में बोला नेहा चाहती है कि आप जाएं। क्यों नेहा? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। Thank God you come. Now we can talk. About what? About marriage. तुम और दीपा शादी कर रहे हो क्या? तुम इसलिए नेहा, तुम्हारी और मेरी शादी की बात। क्या? पापा, for God's sake, please. इसे कहिए कि ये यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। नौजवान, कहते हैं कि अकलमंद को इशारा ही काफी होता है, लेकिन यहाँ तो नेहा ने तुम्हें साफ जवाब ही दे दिया, isn't it? कुंदन, इस वक्त नेहा का मूड ठीक नहीं है, तुम फिर कभी मिलकर बात तय कर लेना। इस वक्त यही ठीक होगा कि हम यहाँ से चले। एक बार कोशिश करके देखो। Let's go. Wise girl. Bye. Bye नेहा। कुंदन चलो। Bye. नेहा, कुंदन को तुम में ये इंटरेस्ट कब से हो गया? छोड़िए ना पापा। लेकिन राहुल को तो तुम प्यार करती हो ना? इस वक्त मैं सिर्फ इसी से प्यार करती हूँ। ओह। सिग्नेचर? यस बॉस। लेकिन ये तो ब्लैंक चेक है। तो क्या हुआ? आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझे सैलरीज के लिए कैश पेमेंट देनी है पापा। मैंने आपके काम करने का तरीका देख लिया है, सारी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी है। साफ है कि आपको परवाह ही नहीं। तो टेल यू द ट्रुथ नेहा, मैंने जिंदगी में जो कुछ अचीव करना था वो कर लिया। नाउ मनी डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। तो इसका मतलब है जितना कमाया है उसे सब मिट्टी में मिला देंगे? नहीं 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 भाई, ये मतलब नहीं है। जो कमाया है सो तो रोकना ही है, बट देयर मस्ट बी सम एक्साइटमेंट, सम थ्रिल, सम एडवेंचर इन व्हाटएवर आई डू नाउ। तो आप ऐसा कीजिए, उधर सोफे पे बैठकर आप किसी नए एडवेंचर के बारे में सोचिए, तब तक मैं काम कर देती हूँ। इज दैट ओके? ख्याल बुरा नहीं है। निक्की? हाँ जी। देखना बेटा किसका फोन है। जावेद के लिए हो तो कहना कि वो दुबई से लौटने वाला है, उसका खत आया है।
ठीक है। हेलो हेलो निकी, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाय, कैसे हो तुम? किसका फोन है? मेरा भाई है किशन। हाँ किशन बोलो। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? बुआ घर छोड़कर चली गई है? लेकिन क्यों, कैसे? कुछ बहसबाजी हो गई थी, फिर आवाजें भी ऊंची हो गई। जब सुबह उठ के देखा तो एक खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं अपनों के बीच भी पराई हो गई हूँ, इसलिए घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, बस तब से ढूंढ ही रहे हैं उनको। ओह गॉड। लेकिन जब बाहर निकलो तो जरा ख्याल रखना, शायद कहीं दिख जाए। अरे ये भी कोई कहने की बात है क्या? अगर मुझे मिलेगी तो घर पकड़ कर लेकर आऊंगी। लेकिन पापा से तुमने बात की या नहीं? अशोक मामा गए थे नरेश मामा के पास, उन्होंने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें भला बुरा कहा। उस दिन पहली बार अशोक मामा नरेश मामा से नाराज होकर लौटे थे। किशन तुम तो जानते हो ना पापा कैसे हैं, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। बाहर से भले ही वो बुआ पर कितने नाराज हो जाए, लेकिन अंदर से वो बुआ को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। तुम हिम्मत रखना, मैं पापा से बात करती हूँ। आई एम श्योर पापा बुआ को ढूंढ निकालेंगे। बाय। सरकार आ गए ना चकमा। अगर नरेश सेठ मुझे नहीं पहचान पाया तो दुनिया का कोई भी आदमी मुझे नहीं पहचान सकेगा। क्या मतलब? अरे सरकार, मैं हूँ आपका खिदमतगार, खुद अनिल। अनिल? अनिल, तो फिर थोड़ा बदल कर यहाँ क्यों आया है? अब सरकार, ऊपर के अस्पताल में बेड खाली नहीं था। दरअसल सरकार, आजकल मुझ जैसे शरीफ आदमी को ऊपर का पासवर्ड आसानी से नहीं मिलता। गोली लगी और हजम हो गई। किसने मारी तुझे गोली? पुलिस ने सरकार। अरे मैं सरकार, पुलिस ने तो मुझ पर पीछे से फायर किया था, तो ये गोली आगे कैसे लगी? अब ये पता लगाने के लिए तो हमें जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा सर। कहीं ये काम तेरे उसी हरीश का हो सकता है सरकार, तो फिर उसका मुंह तोड़ देगा मैं क्या? जाऊंगा सरकार, जरूर जाऊंगा। से साफ बच नहीं सकता सरकार। सरकार जिस रोज पता लग जाए ना सरकार के इस काम के पीछे उसी कमीने का हाथ है, मां कसम देख लीजिएगा उसके पीछे कैसे फटाके बजाता हूं सर। गुड। मेरे पास क्यों आया अब? सरकार, प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा तो कुआ तो प्यासे के पास नहीं आएगा ना। वो सरकार मेरी जेब में छेद हो गई है, देखिए ये तो। चुप। तूने क्या मुझे देना बैंक समझ रखा है? जब मर्जी आती है मुंह उठा के चला आता है। सरकार, मेरे हुजूर, मैं तो कुएं का पानी भी मुफ्त में नहीं पीता सरकार। बहुत जबरदस्त खबर लाया हूँ आपके लिए। कौन सी खबर? मेरा ससुर जिसके पास आपके सुप चैन की चाबी है, बहुत जल्द टपकने वाला है। बस ये समझो कि आप गया के तब गया। कल मरता आज मरे, बहुत तंग किया मर्दों ने। सरकार, उसके टपकते ही आपके लिए खतरे की घंटी बजने लगेगी। वो कैसे? सरकार, वो टपका कि वसीयत पहुंची पुलिस के पास, फिर ये समझ लो कि आपका सिंहासन डगमगाने लगेगा। हाँ धन्यवाद सरकार। वो अम्मी, पता? अम्मी मैं घर जा रही हूँ। क्यों निकी, ये घर तुम्हारा नहीं है? मेरा मतलब है कि मैं पापा के घर जा रही हूँ, पापा को मिलने। तुम वहाँ नहीं जाओगी जी?